गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पिछली क्लास में क्रिया विशेषण पढ़ा, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण के अपन ने जो भेद पढ़े थे, यानी क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो छह भेद अपन ने पढ़े थे। उन छह भेदों में दो भेद अपन ने कालवाचक और स्थानवाचक, छह भेद में से दो भेद अपन ने पढ़ लिए, कालवाचक और स्थानवाचक। आज अपना तीसरा भेद है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया, यहाँ देखो, आप देखो इस शब्द में परिमाण, परिमाण शब्द में हमें पता चलता है कि जिस चीज के मापतोल की बात की जा रही है वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या फिर उसकी मात्रा को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिस चीज से, जिस क्रिया विशेषण के द्वारा किसी चीज की मात्रा की, यानी कितनी मात्रा है इस मात्रा की तुलना की जाए उन्हें अपन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब मात्रा सूचक शब्द कौन से होते हैं जिनसे अपन किसी चीज की मात्रा को बताते हैं, जैसे अधिक, यानी कोई चीज अधिक है, कोई चीज कम है, थोड़ी है, ज्यादा है, जरा है, काफी है, ये सारे शब्द कौन से हैं, ये सारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इन शब्दों के द्वारा हमें किसी वस्तु की मात्रा की, यानी कितनी मात्रा है इस मात्रा का पता चलता है। तो इसका उदाहरण, जैसे अपन को उदाहरण देखें कि वह अधिक बोलता है। अब यहाँ ये बोलना क्या है, क्रिया है ना। तो क्रिया के आगे लगकर जो शब्द उसकी विशेषता बता देंगे वो शब्द क्या होंगे, क्रिया विशेषण। तो यहाँ क्रिया विशेषण क्या है, अधिक है, क्योंकि बोलना क्या है, क्रिया है। तो अधिक बोलना, यानी जिसके लिए बात की जा रही है वो अधिक बोलता है, तो ये अधिक शब्द क्या है, इसकी मात्रा को बताता है कि वो कम बोलता है या वो ज्यादा बोलता है। अब जैसे मुस्कुराना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ क्रिया किस शब्द से बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कुछ से, कि राधा कुछ मुस्कुराए, इसका मतलब थोड़ा कुछ। तो यहाँ कुछ शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अब जैसे मैंने आपको क्रिया विशेषण में पहले बताया था कि तीन चीजें होनी है, ध्यान रखना चाहिए आपको कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना, वो क्या होगा, ये तो क्रिया है, मुस्कुराना, बोलना, ये तो क्रिया है। अब यहाँ क्रिया की विशेषता इस शब्द से बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो जाता है विशेष्य। तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेष्य। तो जैसे यहाँ राधा और यहाँ वह, ये क्या है, विशेष्य है, क्यों, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो तो होते हैं विशेष्य, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेषण। तो यहाँ राधा कुछ मुस्कुराई, अब यहाँ कुछ शब्द क्या है, इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे देखें, श्याम कम पढ़ता है या कम बोलता है, तो यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया। इस क्रिया की विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है, कम ज्यादा, यानी इसकी मात्रा किस शब्द से इंगित की जा रही है, इससे। तो ये शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अब आगे देखो, इस क्रिया विशेषण में, यानी जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उनको कई भागों में विभक्त भी करते हैं, यानी अलग अलग शब्द है, ये अधिकतर को बता रहा है, वो न्यूनतम को बता रहा है, तो वैसे ही इनको कई शब्दों से में विभक्त किया गया है। तो किन किन वर्गों में विभक्त किया जाता है, अधिकतावाचक, यानी जो किसी चीज की अधिक मात्रा को बताते हैं। तो जैसे अधिक मात्रा को बताने वाले शब्द कौन से हैं, अधिक, अत्यंत भी यानी बहुत ज्यादा, अति, ज्यादा, खूब आदि, ये शब्द क्या है, ये वो सारे शब्द हैं जो किसी अधिकतावाचक क्रिया विशेषण, यानी जो किसी शब्द की अधिकता को, ज्यादा को, मात्रा को, अधिक मात्रा की विशेषता बताते हैं, यानी ये अधिकता बताने वाले शब्द हैं। वैसे ही है न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण, तो न्यूनतावाचक यानी जो किसी की क्रिया की कम को, कम मात्रा को इंगित करेंगे, वो होंगे थोड़ा, कम, जरा, आदि। इसके आगे वैसे ही पर्याप्तवाचक, ये ज्यादा, ये कम, पर्याप्त यानी जितना हो उतना, तो पर्याप्तवाचक जैसे बस, केवल, काफी, पर्याप्त, आगे यथेष्ट भी हो सकता है। तो ये सारे कौन से शब्द हैं, ये है पर्याप्तवाचक। इसके आगे तुलनावाचक, जो किसी चीज से तुलना की जाती है, यानी उसको तुलनात्मक रूप देखते हैं, तो वो है इतना, उतना,
उतना, कितना, जितना आदि, ये शब्द सारे शब्द कौन से हैं जो किसी क्रिया की तुलनात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं। और वैसे ही श्रेणीवाचक अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा, कम कम, तिल तिल, एकदम एक एक करके, बारी बारी, क्रम से, ये आदि, ये सारे शब्द कौन से हैं श्रेणीवाचक के। तो ये किसी क्रिया की अलग अलग श्रेणियों को प्रकट करते हैं। तो ये है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको समझ में आ गया होगा कि जो किसी क्रिया की विशेषता को परिमाण या उसकी मात्रा को इंगित करते हैं, उसकी मात्रा को बताते हैं कि क्रिया किस मात्रा में हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और ये कुछ उदाहरणों से मैंने आपको बताया, जैसे अधिक, यहाँ अधिक है, कम है, कुछ है, जरा है, ये सारे कौन से शब्द है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है। इससे किसी क्रिया की परिमाण यानी उसकी मात्रा को इंगित किया जाता है। और ये सारे जो श्रेणियां हैं यानी जो विभक्त करने वाली निम्न वर्ग है, ये सारे वर्ग कौन से हैं? परिमाणवाचक के हैं। लेकिन अधिकतर जैसे ये अधिकता को बताता है, ये न्यूनता को, ये पर्याप्तता को, ये किसी चीज की तुलना को, और ये क्रिया किस श्रेणी में रखी है? जो श्रेणी को इंगित करते हैं। तो ये है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण लिखने हैं। ये आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में करना है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो हम पूछ लेंगे आगे आपको। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अगला है आपका, अगला टॉपिक है वो है स्वीकार वाचक। अगला है अपना स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। इससे पहले अपन ने पढ़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अपन किसे कहेंगे? जिन अवयव शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होगा, यानी क्रिया के होने का पता चलेगा, यानी उसकी अनुमति का हमें ज्ञान होगा, उसे अपन कहेंगे स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। जैसे स्वीकार करने का मतलब कि क्रिया को होने की अनुमति मिल रही है, यानी उसकी स्वीकृति हमें मिल रही है। तो जैसे अवश्य, यानी स्वीकार वाचक जो क्रिया विशेषण है उसके बोध कराने वाले शब्द कौन से हैं? अवश्य, हाँ, ठीक, सच आदि। अवश्य मतलब क्रिया हो रही है, अवश्य, उसकी आवश्यकता का पता चल रहा है। हाँ यानी उसकी स्वीकृति, ठीक यानी ठीक स्वीकृति। अपन किसी चीज के लिए जब अनुमति हाँ में मिलाते हैं सिर, तो अपन बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये ठीक शब्द भी क्या है? स्वीकार वाचक। सच, मैं सच कर रहा है, यानी सच का मतलब कि हाँ रियल में वो कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारे शब्द कौन से हैं? स्वीकृति का हमें बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे वह अवश्य जाएगा, यानी अवश्य ही वो ये जाएगा। तो यहाँ जाना जो क्रिया है, उस जाने क्रिया का हमें किससे ज्ञान हो रहा है? अवश्य, अवश्य मतलब वो जाएगा ही। तो जब हमें उसकी स्वीकृति मिल रही है तो वो शब्द कौन सा है? किसके द्वारा हमें उसकी स्वीकृति मिल रही है? अवश्य शब्द के द्वारा, कि वो अवश्य ही जाएगा। तुम सच बोलते हो, बोलना क्या है? क्रिया है। और इस बोलने क्रिया का हमें किससे पता चल रहा है? सच बोलना है, यानी उसकी स्वीकृति का हमें पता चल रहा है कि वो जो कार्य हो रहा है वो रियल में हो रहा है। ठीक, तो वह करेगा, ठीक करेगा। करना क्रिया का हमें किससे पता चलता है? ठीक, अपन कहते हैं हाँ ठीक ही है। तो इसका मतलब कार्य किसमें हो रहा है? स्वीकृति में हो रहा है। तो ये ठीक शब्द क्या है? हमें उस स्वीकृति का पता बता रहा है। तो स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण अपन कहेंगे कि जिन अवयव शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होगा, स्वीकृति मतलब कि वो क्रिया हो रही है, इस स्वीकृति का हमें जिससे ज्ञान होगा वो शब्द कहलाएंगे स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। और वो शब्द कौन से हैं? जैसे अवश्य, हाँ, ठीक, सच आदि। इससे हमें क्रिया की स्वीकृति मिल रही है कि क्रिया हो रही है, और किस रूप में हो रही है? पॉजिटिव रूप में हो रही है, यानी रियल में वो क्रिया हमारे लिए क्या है? उपयोगी सिद्ध हो रही है कि वह अवश्य जाएगा, तुम सच बोलते हो, वह ठीक करेगा। तो जैसे स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण है जिसमें क्रिया की स्वीकृति का पता चल रहा है, वैसे ही ठीक इसके दूसरा है आपका निषेध वाचक। इसमें क्रिया की निषेधता का ज्ञान होगा, यानी जहाँ क्रिया के निषेध का बोध होगा, कि क्रिया के नहीं होने का जहाँ हमें बोध होगा, उन्हें अपन कहेंगे निषेध वाचक क्रिया विशेषण। जिसमें क्रिया के नहीं होने का हमें ज्ञान होगा, इसमें क्रिया के होने का ज्ञान होता है, दोनों एक दूसरे के अलग है। तो वो होंगे कौन से? निषेध वाचक।
और निषेधवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से हमें बोध होगा वो शब्द है नै, मत, नहीं, बिल्कुल नहीं। नै यानी किसी काम को अपन नाम स्वीकृति देते हैं, मत मत यानी भी नहीं, और नहीं बिल्कुल नहीं यानी बिल्कुल ही नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं है वैसे अवश्य अवश्य ही होगा और बिल्कुल नहीं होगा। तो जहां हमें इन शब्दों से हमें किसका बोध होगा, निषेध का बोध होगा कि क्रिया नहीं होगी। जैसे तुम मत जाना, अब यहाँ जाना क्रिया को किससे रोका जा रहा है, मत शब्द से उसके निषेधता का बोध हो रहा है, तो यहाँ उसी क्रिया को रोका जा रहा है। तो ये निषेधता का बोध कराने वाले शब्द कौन से हुए, मत शब्द। तो क्रिया के आगे लगते हैं क्या बन गया, क्रिया विशेषण। तुम वह नहीं जाएगा, यहाँ नहीं शब्द भी क्या है, जाएगा जो क्रिया है उस क्रिया की निषेधता का ज्ञान करवा रहा है। तो निषेध शब्द कौन सा हो गया, नहीं। और वैसे ही शाम बिल्कुल नहीं पढ़ता, पढ़ना जो क्रिया है उसकी निषेधता का हमें पता चल रहा है बिल्कुल नहीं शब्द से कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। तो जो नहीं है, ना है, मत है, ये शब्द कौन से हैं, निषेधवाचक। और वैसे ही स्वीकारवाचक कौन से हैं, जिसमें हमें अनुमति मिल रही है कि हाँ है, ठीक है, सच है, ये शब्द कौन से, अवश्य है, ये शब्द कौन से हैं, स्वीकृतिवाचक, यानी स्वीकार हमें उसकी स्वीकृति का पता चलता है। तो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण वो है जिनमें हमें किसी क्रिया के स्वीकृति स्वीकृति का ज्ञान मिलेगा, यानी उसकी होने का हमें स्वीकृति मिलेगी, वो कहलाएंगे स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। और जिन क्रिया विशेषणों में क्रिया की निषेधता का यानी उसको रोक दिया जाएगा, नहीं होगा, वो शब्द होंगे निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी अवश्य, हाँ, ठीक, ये शब्द कौन से हैं, अनुमति वाले, स्वीकृति वाले, और नहीं, ना, मत, बिल्कुल नहीं, ये शब्द कौन से हैं, निषेध वाले, यानी इनमें क्रिया को रोक दिया जा रहा है, इसमें नहीं होने का पता चल रहा है, उसमें हमें स्वीकृति मिल रही है कि वह अवश्य जाएगा, यानी वो कल जाएगा ही। तुम सच बोलते हो, यानी जो बोलने की क्रिया बोली है उसका सच शब्द से हमें स्वीकृति का बोध हो रहा है कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और वह ठीक करेगा। करना जो क्रिया हो रही है, यानी वो जो कार्य कर रहा है, करना जो क्रिया हो रही है, उस करने क्रिया को हमने किससे कर दिया, स्वीकृति ठीक शब्द से, कि वो जो कर रहा है वो ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक कर रहा है। तो जो करना क्रिया होगी वो ठीक शब्द है, सच शब्द है और अवश्य शब्द है। ये शब्द कौन से हैं, स्वीकृतिवाचक, यानी स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की स्वीकृति का हमें बोध करा रहा है। क्रिया से ठीक पहले जो शब्द लगेगा वो विशेषण होगा और वो उस क्रिया की विशेषता को प्रकट करेगा। अब प्रकट कौन सी विशेषता को करेगा, जो क्रिया उसके अंदर घट रही है उस क्रिया का हमें उस शब्द से पता चलेगा कि वहाँ कौन सा उसमें विशेषण है, तो वो क्रिया को किस रूप में प्रकट कर रहा है। अब ये अवश्य है, वैसे ही यहाँ मत हो गया, तो अवश्य तो शब्द स्वीकृति का बोध करा रहा है, लेकिन मत या नहीं जो शब्द है वो किसका बोध करा रहा है, निषेध का। तो क्रिया के ठीक पहले लगकर जो विशेषण उसकी विशेषता को प्रकट करेगा वो ही क्रिया विशेषण होगा और वो जो शब्द होगा उसके अनुसार ही उसकी विशेषता प्रकट होगी। तो यहाँ अवश्य शब्द और यहाँ नहीं शब्द है, ये दोनों क्या है, ये स्वीकृति का बोध करा रहा है और ये निषेधता का बोध करा रहा है। तो ये है आपके दो क्रिया विशेषण, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक। परिभाषा लिखिए और इसका उदाहरण लिखिए। इसके बाद आपका एक क्लास और रहता है, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद अगला अपन पढ़ेंगे रीतिवाचक। अपन ने दो पढ़ लिए, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक। इसके अगला है अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी रीति, रीति का मतलब जो उसकी परंपरा को का हमें बोध कराता है, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का, रीति मतलब किस ढंग से ये क्रिया हो रही है, उसके होने का ढंग का हमें पता चलता है कि किस विधि से किस ढंग से ये क्रिया हो रही है, तो वो कहलाते हैं रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या होता है कि क्रिया का ढंग, क्रिया किस रूप में हो रही है, तो वो कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि जो शब्द उसके बोध कराते हैं कि ये उसकी रीति है, तो वो शब्द हैं धीरे, तेज, अचानक, सचमुच, एकाएक, सहसा आदि। ये शब्द क्या है, अब धीरे शब्द में धीरे धीरे भी हो सकता है, तो ये शब्द कौन से हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का हमें बोध कराने वाले शब्द। इन शब्दों से हमें क्रिया की रीति का, उसके ढंग का पता चलता है। तो जैसे मीना धीरे चलती है या मोहन धीरे धीरे चलता है,
सर पर आगे लिखते हैं यहाँ कि मोहन मोहन धीरे धीरे चलता है। तो ये जो शब्द है धीरे धीरे, ये जो चलना क्रिया हो रही है, इस चलने की क्रिया का ढंग बता रहे हैं कि ये क्रिया किस रूप में हो रही है, धीरे धीरे। यहाँ आपने लिखा मोहन तेज तेज चलता है, तो ये तेज तेज शब्द क्या हो जाएगा, ये भी द्वितीयवाचक शब्द हो जाएगा, यानी ये हमें क्रिया के ढंग का पता बता रहे हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा हमें क्रिया के होने का ढंग या उसकी रीति का ज्ञान होता है वो शब्द कहलाते हैं द्वितीयवाचक। जैसे मनीष तेज दौड़ता है, अब दौड़ना जो क्रिया हो रही है उस दौड़ने क्रिया का हमें ढंग बताया जा रहा है तेज शब्द के द्वारा कि दौड़ा किस रूप में जा रहा है, तेज तेज। तो ये तेज शब्द क्या हो गया, द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक आया, अचानक ही कोई आ गया, तो ये जो क्रिया है अचानक वाली, ये आने की जो क्रिया हो रही है उस आने क्रिया का ढंग बता रहे हैं कि जो क्रिया हुई यानी जो आया वो किस रूप में आया, अचानक आ गया। तो ये अचानक जो क्रिया है वो हमें क्रिया की रीति का ज्ञान करा रही है। वह सचमुच ही लाभदायक है, अब ये सचमुच शब्द क्या है, जो लाभदायक क्रिया है यानी जो क्रिया हो रही है जिससे हमें लाभ हो रहा है, जो लाभ होने वाली क्रिया है उस क्रिया का फायदा किस रूप में बताया जा रहा है, सचमुच। यानी वो जो क्रिया हुई है जिससे हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो कैसी है, सचमुच ही, यानी ये क्रिया के ढंग का पता बता रहे हैं। तो ये है आपका द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण, ये टॉपिक आपका यहाँ पूरा हो जाता है क्रिया विशेषण। अपन ने चार टॉपिक पढ़ लिए, 10th क्लास में अपन ने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ लिया विशेषण है ना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विशेषण के बाद हमने पढ़ी क्रिया, क्रिया के बाद हमने पढ़ लिया समास, और समास के बाद हमने पढ़ लिया क्रिया विशेषण। तो जब हमने क्रिया और विशेषण दोनों पढ़ लिए तो दोनों को जो मिला दिया जाता है, क्रिया केवल होने को बताया जाता है, विशेषण केवल विशेषता को बताता है, और जब क्रिया विशेषण जुड़ जाता है तो क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया हो रही है चलना, इस चलने की क्रिया का विशेषता बताई जा रही है धीरे शब्द से, है ना। तो ये शब्द हो गया क्रिया विशेषण, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के अपन ने 6 भेद पढ़ लिए, ये 6वां 6ठा भेद आपका था द्वितीयवाचक, यहाँ आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है। द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया कि जो क्रिया की क्रिया हो रही है उस क्रिया की होने की रीति का पता बताती है, क्रिया तेज तेज हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, अचानक हुई है, ये शब्द कौन से हैं, द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ धीरे धीरे चलना, तेज दौड़ना, अचानक आना, या सचमुच, या सहसा एकाएक, वह एकाएक ही बोला है ना, तो सहसा मैं डर गई, तो ये शब्द कौन से हैं, क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं कि जो क्रिया हुई उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ा, एकाएक अचानक से सहसा, ये शब्द कौन से हैं, क्रिया के ढंग का पता बताते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं द्वितीयवाचक क्रिया विशेषण। ये आपका यहाँ टॉपिक पूरा हो जाता है क्रिया विशेषण। इसको आप पूरे को क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद, हर भेद की परिभाषा और उसका उदाहरण, इतना आपको अपनी नोटबुक में रखना, ठीक है। इसके आगे अगला अपना टॉपिक है कार, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कार।